नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कि दोस्तों आज के इस जीवन काल में लोग जो हैं एक दूसरे को देख कर बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में तो आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वह आपके दुश्मन बन जाएंगे। जी दोस्तों, आप सामने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे, अच्छा कार्य करने लगे, उनसे हर क्षेत्र में आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में आप जो है खटकने लगते हैं। क्यों दोस्तों? वे आपके पैसे, आपके रुतबे को देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जी दोस्तों, और आपको ऊपर बढ़ने में आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ है, वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण दोस्तों बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। जे दोस्तों, आपको बता दें बुरी नज़र वाले आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जे दोस्तों, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों लोगों को आपसे लेना देना है, आपको वो चैन से जीने नहीं देंगे। क्यों दोस्तों? आपकी सफलता उनके दिल दिमाग पर, उनकी आँखों में खटक रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कि आपको बर्बाद करने की वह कसमें तक खा लेते हैं। जी दोस्तों, हम खुश रहें या ना रहें, लेकिन हम आपको खुश रहने नहीं देंगे, ऐसी कसमें तक खा लेते हैं। दोस्तों हमारी भगवान से विनती है कि आपको ऐसे लोगों से बचाए। जी दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों लोग आपसे जलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो दोस्तों जो लोग आपसे जलते हैं वे आपके जीवन काल से वाकई ही दूर हो जाएंगे और आप उनसे मुक्ति पाएंगे। जी दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों के कर्म भाव और स्वामी भाव का जो भगवान है श्री शनिदेव हैं। जी दोस्तों, और इसलिए इस राशि के सबसे लकी दिन शनिवार और मंगलवार रहते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो दोस्तों वह कार्य आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यूँ कह दो दोस्तों कि यश में किया गया कार्य आपके लिए हमेशा सफल साबित होंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि की ही एक ऐसी खासियत है, आपको दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो है दिखावे में नहीं आते हैं और ना ही दिखावा करते हैं। और दोस्तों इसका एक रीज़न यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दूसरों से अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा संकट आपके ऊपर ज़रूर आता है, जिससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है ज़्यादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार रहते हैं, इसलिए सारी गर्ल्स जो है आपकी नेचर को पसंद करती है और आपको ऐसी लड़कियां भी पसंद है जो कि क्रिएटिव फील्ड में होती है और दोस्तों जिनमें ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं होती है। दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग दूसरों को पहले खुश रखते हैं फिर अपना खुशी देखते हैं, चाहे आपके ऊपर कितना भी टेंशन और कितना भी चिंताएं क्यों ना हो, आपका व्यवहार सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और सभी लोग आपके ऊपर बहुत ही जल्दी एक आकर्षित होते हैं। ये दोस्तों आप लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी होते हैं। एक बात आपकी और है कि आप जब भी दुखी होते हैं तो दोस्तों आप लोग किसी से भी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते, आप अपना जो दुख है जल्दी किसी से भी शेयर या प्रियों के साझा नहीं करते हैं और चुपचाप आप अकेले बैठकर अपना आंसू बहाते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं क्या यह सच है या फिर नहीं। दोस्तों कमेंट करके आप अपना नेचर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यादातर कष्ट देते हैं। दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर के लोगों से तो आप निपट लेंगे, बाहर के लोग
अगर आपसे आपको चोट पहुंचाए तो दोस्तों उनका सामना आप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दुख तो आपको तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपके साथ ऐसा अक्सर देखा गया है, आपका बहुत बार अपमान भी हुआ है, आपके मान सम्मान को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेस पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, आखिर आपके साथ होता ही रहेगा? अगर हाँ तो दोस्तों कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फ़ायदा उठाती रहेगी? आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा? या दोस्तों आखिर कब तक आपकी इमोशन की, आपकी फीलिंग की कदर नहीं होती? आपके जीवन में अभी तक आपको वह सफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं। या दोस्तों आपको हर चीज़ में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आपका हर काम संघर्ष से ही पूरा होता है, आपको जो चीज़ प्राप्त हुई है वह भी बहुत संघर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है। दोस्तों आपने किसी से भी यह चीज़ें नहीं मांगी है, कोई भी खैरियत से आपको यह चीज़ नहीं मिली है। दोस्तों आपने बहुत ही मेहनत करके, खुद की दिन रात एक करके, जाग जाग कर आपने जो भी सफलताएं हैं उन्हें हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी यह दुनिया आपकी सद्भावनाओं की कदर नहीं करती। और दोस्तों आपको थोड़ी सी सफलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आपसे जलने लगती है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है। पिछले कुछ सालों से आपकी आर्थिक स्थिति में भी भारी गिरावट आई है। या दोस्तों आपको बता दें कि आपका जीवन मानो पूरी तरह से ही बिखर गया है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने मन से कभी भी आपको नहीं पूछा, आपका मान सम्मान नहीं किया, ऊपर से आपसे यह लोग मीठा मीठा बात करते हैं, लेकिन अंदर से ही यही लोग आपके ऊपर क्या करते हैं ये तो आपको खुद पता ही होगा। ये दोस्तों आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। और दोस्तों यह लोग अंदर से आपसे नफरत भी करते हैं। और दोस्तों इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि आप लोग जो होते हैं वह बहुत ही साफ दिल के होते हैं। ये दोस्तों आप लोगों की जो भी बात होती है वह बिल्कुल ही साफ साफ मुंह पर होती है। लेकिन दोस्तों आप अपने दिल में कोई भी पाप नहीं छुपाते हैं। ये दोस्तों अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी व्यवहार के चलते लोग आपको अंदर ही अंदर पसंद नहीं करते। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस आदत को बिल्कुल भी ना बदलें। दूसरे लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आप अपनी आदत बिल्कुल ना बदलें, क्यों दोस्तों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है। आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इल्ज़ाम भी लगाते हैं। आपने जिसको अपना मान सम्मान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर साथ छोड़ा है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। आपने जिनका भी साथ दिया है आज वो आपके साथ खड़ा है, क्या वह आपको पूछता है? क्या वह आपकी मुश्किल समय में आपसे कंधे मिलाकर खड़ा है? क्या? जी दोस्तों इन सभी का जवाब मिलेगा नहीं। दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो, दिल छोटा ना करें। आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला समय होगा दोस्तों ग्रहों की गोचर की स्थिति के साथ बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले समय में आपका भी जीवन अवश्य बदलेगा और आने वाला समय आपके लिए कुछ इस प्रकार चेंज होने वाली है जिससे दोस्तों आपके जीवन काल में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है। जी दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद अब आने वाले समय में आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। एक बात यह भी है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो लोग अन्याय करते हैं भगवान शनिदेव उन्हें कतई जहर वाली सजाएं देती है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोस्तों जिन्होंने भी आपको ठेस पहुंचाई है दोस्तों उनका हिसाब भगवान शनिदेव अवश्य करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा लोगों से दूरी बनाकर रखने हैं। जी हाँ दोस्तों इस बात को आप ज़रूर ठान लें कि आपको ऐसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सके तो आप इनसे अपना रिश्ता ही तोड़ दें।
जी दोस्तों, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि आप ऐसी रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, आपकी बहुत करीबी लोग हैं, यानी कि आपका भाई है, आपका बहन है, या फिर आपके ससुराल पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो। जी दोस्तों, आपकी पत्नी अगर आपसे दूर नहीं जा रही है, तो दोस्तों आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इनसे बात भी करना बंद कर दें। जी दोस्तों, जितनी भी हो सके कम से कम बात करें, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप में भी अब बहुत कुछ सहन कर लिया है, और दोस्तों सहन करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आपसे तमीज से बात नहीं करते हैं, आपका दर्द नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं, यूँ कहें तो आपको मान सम्मान नहीं देते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, बातचीत आपको इनसे बिल्कुल ना करना है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों जब भी आपके साथ गलत हुआ है, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके जीवन की सीख है। बाकी दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके साथ है और आपका कल्याण करने के लिए, आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने के लिए भगवान शनिदेव आपके कार्यों में आपके साथ रहते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल ही आप सच्चे मन से जिस प्रकार भगवान शनिदेव को याद करते हैं, दोस्तों इसी प्रकार आप उन्हें हमेशा याद कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो दोस्तों ये आपके जीवन काल में हमेशा शुभ कार्य ही आपको देने वाले होंगे। दोस्तों अंत में आपसे बस यही निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये दोस्तों, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।